नमस्कार दोस्तों, लाइव जनादेश में आपका स्वागत है। एक रहस्यमय स्टोरी लेकर फिर हम आपके बीच आए हैं और ऐसी स्टोरी कि आप आश्चर्यजनक हो जाओगे, क्योंकि कुषाणकालीन सभ्यता के प्रमाण बागपत में साफ तौर पर देखे जा रहे हैं। अब तक हम आपके बीच में महाभारतकालीन सभ्यता जो है उसको दिखा रहे थे, लेकिन कुषाणकालीन सभ्यता के एक प्रमाण मिले हैं। दिल्ली से 70 किलोमीटर की दूरी पर ये सिरसलगढ़ है इस वक्त जहां हम खड़े हैं, और बागपत शहर से लगभग 35 किलोमीटर पर ये एक वो टीला है जहां साफ तौर पर एक कुषाणकालीन जो सभ्यता के प्रमाण देखे जा सकते हैं। यहाँ एक बड़ा भव्य किला रहा होगा और किला आज खंडर में तब्दील है, उसके अवशेष हैं। यहाँ क्या क्या चीज़ें निकल रही हैं, उनमें खुदाई हुई है, कुछ कंकाल भी लिखड़े हैं, मृत भांड लिखड़े हैं, वो साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। और सबसे पहले मैं तस्वीरों में दिखाऊँगा जिस इस टीले पर हम खड़े हुए हैं, और ये खंडर के रूप में ये यहाँ जो कभी किला रहा होगा जो कुषाणकालीन जो बताया गया है, उसकी दीवारें साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। नीचे फसल बुरी है और वो टीले की जो किले की दीवार है वो देखी जा सकती है, खंडर के रूप में तब्दील हो चुका है। एक बड़े जो बताया गया कि 100 फुट का ये टीला बना हुआ है गांव का, जो ये सिरसलगढ़ है, यानी साफ तौर पर ये देखा जा रहा है जिस तरीके से यहाँ प्रमाण साफ तौर पर देखे गए हैं। और यहाँ क्या क्या निकल रहा है उस दीवार को मैं आपको नज़दीकी से दिखाऊँगा नीचे चल कर कि क्या उस दीवार की बनावट, क्या यहाँ क्या स्थिति है, क्योंकि बताया गया है जो पुरातत्व की टीम ने खुदाई पर यहाँ बैन लगा दिया है, क्योंकि बताया गया कि यहाँ 300 बीघे का यहाँ पूरा ये किला था, एक मतलब कि टीला था। ये अब लोगों ने काट काट के खेती बाड़ी शुरू कर दी, जिसमें उनका बहुत यहाँ सिक्के भी निकले हैं, उस टाइम के प्रमाण निकले हैं। तो साफ तौर पर यहाँ बता रहे कि 10-12 साल से पुरातत्व की टीम ने आके भारत सरकार ने यहाँ खुदाई पर बैन लगा दिया है और किसी अपनी योजना जुटी हुई है। अब देखते हैं योजना क्या होगी, इसकी और खुदाई होगी या क्या इसके अंदर क्या है, या किला था या किस राजा का था, बहुत सारी चीजें हैं। आइए आपको दिखाते हैं, नीचे उस किले की दीवार दिखाएंगे, उस दीवारों को बनावट दिखाएंगे, यहाँ की स्थिति क्या है, खंडर के रूप में तब्दील है। ये सिरसलगढ़ में साफ तौर पर कुषाणकालीन जो सभ्यता है वो देखी जा रही है। टीले के रास्ते ऊपर गए थे, ऊपर से नीचे आए हैं, जो साइड में रास्ता बना हुआ था, बड़ी झाड़ियों के बीच से निकलते हुए हम आए हैं। और काफ़ी भयंकर आप देख सकते हो इस तरीके से कितने भैयाओं के यहाँ घोंसले बने उड़े हैं और बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। मैं दिखाना चाहूँगा ये वो दीवार रही होगी किले की, कितने ईंटों का जो साइज़ है वो बहुत अलग तरीके का है, बनावटें बहुत अलग तरीके की हैं, जो साफ तौर पर जो यहाँ कुषाणकालीन जो सभ्यता है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है, वो देखी जा सकती है आँखों से साफ तौर पर। ये इतने ये देखिए, ये सामने अगर देखें ये जो भट्ट बने हुए हैं, इनके सामने जो ये आपको बर्तन दिखाई दे रहे हैं, यानी माठ जो रहे होंगे, उनके साफ तौर पर प्रमाण देखे जा सकते हैं। और जिस तरीके से एक भव्य किला रहा होगा। मेरा नाम डॉक्टर अमित रायजन, डायरेक्टर शहजाद राय रिसर्च इंस्टीट्यूट बड़ौत। देखिए, सिरसलगढ़ जिला बागपत में बड़ौत से आगे जब चलते हैं तो बिनौली और अमीनगर सराय रोड के बीच में गांव है। सिरसलगढ़ बहुत इम्पोर्टेंट है, जो लगभग 10-15 साल पहले जो हम लोगों ने एक्सप्लोरेशन किया था, उस समय उसकी जो रकबा रहा होगा 100 बीघे के करीब था, लेकिन सरकारी नियमों के चलते कुछ वहाँ पट्टे कटे, कुछ लोगों ने समतल की, कुछ खनन हुआ, अवैध खनन हुआ, तो आज वहाँ पे लगभग 15-20 बीघा जो टीला है मौजूद है, और टीले की ऊँचाई भी लगभग 40 फीट है। उसमें जो प्रथम दृष्टया अवशेष मिलते हैं पुरातात्विक, वो कुषाणकालीन है, और कुषाण के बाद वहाँ मल्टी कल्चर साइट है, बहुमिश्रित संस्कृति के प्रमाण हैं। कुषाण के बाद वहाँ गुप्ता पीरियड की पोट्री भी मिलती है, गुप्ता के बाद सल्तनत पीरियड की पोट्री भी मिलती है। तो करीब ये तो कन्फर्म है कि 2000 साल पुरानी सभ्यता से लेकर के आज तक वर्तमान तक वहाँ पे मानव बस्ती रही। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हॉर्टिकल्चर साइट्स बहुत कम हैं, यानी कि किलों वाली साइड बहुत कम है, और सिरसलगढ़ एक ऐसी जगह है जहाँ की दीवारों या टीले के अंदर जो दीवारें हैं वो लगभग 40-40 फुट चौड़ी हैं। और उसका हम लोगों ने पुरातात्विक सर्वेक्षण 2005, 2008, 2012 लगभग 10-12 बार उसका साइट का सर्वेक्षण कर चुके हैं। वहाँ से कुषाणकालीन राजा वासुदेव के सिक्के भी मिले हैं जो लगभग 1700 साल पुराने हैं। वहाँ जो फोर्टी कल्चर यानी कि फोर्ट के प्रमाण बड़ी बड़ी दीवारें हैं, तो ये बात पुष्ट होती है कि वहाँ कोई बहुत बड़ा किला था। और नामोल्लेख जो है सिरसलगढ़, यानी कि गढ़ वो होता है जहाँ पर कोई किला होता है। यहाँ क्या क्या रहा होगा और क्या क्या इसके अंदर लिखड़ा है और लिखड़ने की बात है। हालांकि अभी जो यहाँ खुदाई में बैन लगा हुआ है सरकार की तरफ से, लेकिन जो ये चीज़ें हैं, जो ये प्रमाण है, ये साफ तौर पर दर्शा रहे हैं कुषाणकालीन सभ्यता, यानी 2000 साल ईसा पूर्व, यानी दूसरी जो रही है सदी, उसके ये प्रमाण साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। ये हिस्सा देखो, भारी बारिश के कारण ये शायद टूट के गिरा है, ये साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है, यहाँ कुछ लोग भी, स्थानीय लोग जो लगातार बताते हैं। और एक चीज़ और मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगा आपको, ये देखिए, ये कुछ अलग तरीके के हैं। ये देखें किस तरीके की ये ईंटें हैं, यहाँ ये बताते हैं कैसी कैसी ये चीज़, ये साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। यानी ऐसे यहाँ पे बर्तनों का जो उस टाइम पे इस्तेमाल होता था, मिट्टी के बर्तन इतने मजबूत आज भी हैं, और ये साफ तौर पर इसमें देखे जा रहे हैं। बड़ी आश्चर्य की बात है, जो इंडिया में सभ्यता है, तरह तरीके की सभ्यता है, महाभारत कालीन सभ्यता हो, कुषाणकालीन हो या और तरीके की, तो साफ तौर पर बागपत में बहुत प्रमाण मिल रहे हैं। और जिस तरीके के प्रमाण हैं वो अपने आप में आश्चर्यजनक है। मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, ये एक तरीके की, जैसे कोई कहने वाले ये ईंट कह रहे हैं, पत्थर, लेकिन ये साफ तौर पर पत्थर है। ऐसे ऐसे पत्थरों के जो बड़े बड़े किले बनाए जाते थे पुराने समय में, वो साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। ये वो साफ, ये इस तरीके की पत्थर, यानी ईंट रूपान में पत्थर ही है साफ तौर पर। ये कुछ उससे यहाँ स्थानीय लोग हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर इस किले के मान्यता या इसको क्या मानते हैं यहाँ की, ये इनका बचपन रहा होगा। क्या नाम है जी आपका? सोनू उज्ज्वल। सोनू, ये जो किला है तुम्हारे यहाँ, टीला है, इसके बारे में क्या जानते हो, कुछ बताएँ। देखो, ये टीला हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो इसके बारे में बताते हैं कि ये टीला कम से कम 1000 साल से ऊपर है, और इसमें मतलब पुराने ज़माने की बहुत सी चीज़ें निकली हैं, और इसमें मतलब कंकाल भी निकले हैं इसमें पहले, और अभी भी निकलते हैं। खोपड़ी जानवरों की, इंसान की भी खोपड़ी निकली है इसमें। फूल सिंह उज्ज्वल, गाँव सिरसलगढ़। तो किले के समान है, पुराना ही है, पता नहीं 1000 साल पुराना है। 300 बीघे में था, अब तो 100 बीघे में तो हमने भी देखा, मिट्टी उठा के फिर तो थोड़ा ही रहना। मिट्टी के बर्तन, कुछ जमड़ी भी लिकड़ी पहले पुरानी, कंकाल भी लिकड़े, मनुष्य के भी, पशु के भी भाई। और भाई पूरा तत्व वाले ले गए थे पहले से ही उन्हें, उसके हिसाब से क्यों नहीं कह सकते। जो चीज़ लिख रहे कुछ काली नुमा थी। हाँ, दीवार जो है मौजूद है, भी बहुत थोड़ी थोड़ी है। कहा जाता है कि बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि मतलब यहाँ पे मतलब इसको इसकी देवता की वजह से बख्शीश मिली हुई है हमारे गांव को। और हमने भी देखा है, कभी कोई किसी को यहाँ पे सांप भी काट ले तो कोई नहीं मरा है आज तक, सांप का जहर भी नहीं चढ़ता है, उसकी इतनी मान्यता है यहाँ। जिस तरीके से ये किला देखा जा सकता है, कहा गया है, और यहाँ जो कुषाणकालीन सभ्यता भी बताई गई है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि उससे पहले भी हो सका है, उससे पहला हो, लेकिन ये तो कहीं ना कहीं जो पुरातत्व के जो जानकार हैं वो ही साफ तौर पर बताएंगे। और एक और हैं स्थानीय निवासी। क्या नाम है आपका? नीरज कुमार। नीरज, ये जो टीला है इसके बारे में क्या जानते हो, क्या है इसके, आखिर क्या है ये चीज़? ये जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे वो बताते थे कि पहले गाँव था, काफ़ी वर्ष हो गए, हम तो नहीं थे उस समय, तो ये बताया जा रहा है कि ये गांव पलट गया था, तो यहाँ पे पहले लोग रहते थे, तो जैसे पलट गया, इसमें जीव जंतु आदमी सभी इसी में दफन हो गए, तो उसके बाद ये चलता रहा। फिर दोबारा आदमी, क्या क्या चीज़ें देखने को मिला, क्या क्या मिलता है आज तक, क्या क्या लिख रहा है इसमें? तो कुछ आभूषण भी निकलते हैं, जीव जंतु के तंतकाल भी निकलते हैं, और भी बहुत चीज़ें हैं इसमें। तो सरकार से क्या मांग करते हो, इसकी खुदाई होनी चाहिए, यहाँ कुछ होना चाहिए, पर्यटक स्थल बनना चाहिए, क्या किस चीज़ के लिए? सरकार से हम यही मांग करते हैं कि इसकी खुदाई कराई जाए, जो भी इसमें है वो निकाला जाए, और इसको किसी भी चीज़ में तब्दील किया जाए, ये जो भी सरकार को अच्छा लगे, हम सरकार की सहमति से है। ये साफ तौर पर सिरसलगढ़ के गांव के निवासी हैं, जिन्होंने साफ तौर पर सरकार से मांग भी की है कि जो जिस तरीके की यहाँ ये चीज़ें यहाँ खुदाई कराई जाए, और जो भी उसमें लिखड़े उसको भारत की जो पुरातत्व की टीम है उसको धरोहर के रूप में उसको रखे, और यहाँ कुछ ऐसा बनाया जाए जो कहीं ना कहीं यादगार बने, और कहीं ना कहीं लोगों का आकर्षण का केंद्र बने, और एक बड़े बड़े पर्यटक यहाँ आए, और पर्यटन स्थल के रूप में इसको ये लोग देखना चाहते हैं, कहीं ना कहीं अपने गाँव और अपने विकास के। साफ तौर पर जो पुरातत्व की जो टीम मुलाजिम हैं उनसे या सरकार से यही लगातार वो कहना है, उनकी मांग है कि इस जगह को आए और इसके बारे में जानें और समझें और यहाँ की खुदाई कराकर देखें। तो साफ़ तौर पर सिरसलगढ़ में जो टीला है हमने देखा, आपको दिखाया, यहाँ की जो कुछ चीज़ें हैं बड़ी अद्भुत और आश्चर्यजनक। जल्दी सी ये चीज़ें प्रमाण नहीं मिलेंगे, 2000 साल पुराने ये प्रमाण बताए जा रहे हैं। और साफ़ तौर पर जो बड़े इसमें पुरातत्व के अधिकारी हैं उनका भी साफ़ तौर पर यही कहना है कि ये 1800-2000 ईसा पूर्व का 2000 और 1800 साल पुराना ये मामला है, जो साफ़ तौर पर यहाँ उसके प्रमाण भी मिले हैं, कुछ सिक्के भी मिले हैं, कुछ मृत भांड ऐसे मिले हैं जिनसे प्रमाण हुआ है कि ये कुषाणकालीन जो सभ्यता है उस दौरान का है। तो एक अपने आप में बागपत की जो धरती है अपने आप में इतिहास से भरी हुई है और यहाँ हर तरीके के प्रमाण और कौन प्रमाण कहाँ कैसे दफन है वो साफ तौर पर झलक रहे हैं। लेकिन ये कब बाहर निकलेंगे और ये वो प्रमाण है कहीं ना कहीं अपने मुंह बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं लिकड़ रहे हैं, झलक रहे हैं। और लाइव जनादेश लगातार आपको ये चीज़ें दिखा रहा है और कहीं ना कहीं सरकार से भी ये कह रहा है कि बागपत जनपद में जितने भी इस तरीके के किले हैं या इस तरीके की जो स्टोरी जो हम दिखा रहे हैं और जो यहाँ प्रमाण हैं इस तरीके के जो रहस्यमय हैं तो प्राचीन हैं उन पर निगाह करें और उनको कहीं ना कहीं जो भारत सरकार की गाइडलाइन है उसके अनुसार पर्यटक स्थल के रूप में इनको बनाया जाए और बागपत में उसका केंद्र बनेगा और कहीं ना कहीं लोग दूर दराज से यहाँ बागपत में आएंगे। और फिर एक नई स्टोरी के साथ आपसे मिलेंगे। चलते हैं अगली स्टोरी की तरफ। कैमरा सहयोगी के साथ देवेंद्र चौहान, लाइव जनादेश, बागपत।